सब्सक्राइब कीजिए किचन डायरी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं किचन डायरी। आज हम बनाएंगे सोया कटलेट, तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को लगने वाले इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार है। 150 ग्राम सोया कीमा, एक बड़ा आलू उबला हुआ, आधा छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक कप ब्रेड क्रम्स, एक चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट एक छोटा चम्मच। तो आइए शुरू करते हैं। हमने सोया कीमा को भिगो के रखा था और उसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें उबला हुआ स्मैश किया हुआ आलू डालेंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच जीरे का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी हम इसमें पहले आधे कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अगर हमारे मिक्सचर को और बाइंडिंग की जरूरत हो तो हम फिर और ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। अभी हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा मिक्सचर बाइंड हो चुका है। हमने आधा कप ही ब्रेड क्रम्स डाले थे, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका एक ऐसा बॉल बन रहा है कि नहीं। अगर ये बॉल बन नहीं रहा है तो इसमें आप और ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। अब हम हमारे कटलेट बना लेते हैं। तो आप थोड़ा सा डो लीजिए, उसका एक बॉल बना लीजिए। और उसे कटलेट का शेप दे दीजिए। हमारा कटलेट तैयार है। आप चाहे तो अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी शेप का कटलेट बना सकते हैं। इसी प्रकार हम बाकी के भी कटलेट तैयार कर लेते हैं। हम कटलेट बना रहे हैं तब तक हम हमारे पैन को भी गरम करने रख देते हैं। अब हम पैन में तेल डाल लेंगे। हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं, डीप फ्राई नहीं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इस पे हमारे कटलेट फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हमें इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इन्हें पलट लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे कटलेट एक साइड से। ऐसे ही हम अभी दूसरे साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। Yeah.
लीजिए हमारे कटलेट अब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म कटलेट तैयार है। ये एक अच्छा ऑप्शन है टी टाइम स्नैक के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।